श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए बताइए सबसे पहले तो कि कल का जो मेरा एक्सप्लेनेशन था चैप्टर का, यानी चैप्टर टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वो कैसा लगा आपको? और सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कल का जो एक्सप्लेनेशन था, यानी कल जो हम लोगों ने समझा था, वो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, अब आगे का पार्ट आज स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? कल हम लोगों ने आई थिंक पढ़ लिया था स्मॉल इंटेस्टाइन तक, है ना। और बीच में हम लोग पढ़ रहे थे पैंक्रियाज, बाल ब्लैडर, है ना, ये सब पढ़ रहे थे ना, गाल ब्लैडर और लीवर। तो पैंक्रियाज के बारे में समझते हैं कि पैंक्रियाज क्या है। द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो पैंक्रियाज है वो लीवर से इस तरीके से, यहाँ पर क्या है गाल ब्लैडर, और यहाँ नीचे जाकर क्या था, पैंक्रियाज था। एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें से क्या बनता है, पैंक्रियाटिक जूस बनता है। ठीक है, तो जब पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। अब जो पैंक्रियाटिक जूस है ये किस पर एक्ट करता है, किस पर वर्क करता है? कार्बोहाइड्रेट्स पर, फैट्स पर और प्रोटीन्स पर, यानी ये तीनों पर वर्क करता है। एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और किस में चेंज कर देता है इनको, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है सारे के सारे फूड को। ठीक है, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो बचा कुचा डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुंच जाता है, लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में पहुंच जाता है। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी जो सारा का सारा डाइजेशन होता है हमारा, वो ऑलमोस्ट कहाँ कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में चेंज हो जाता है, शुगर में और ग्लूकोज में, शुगर यानी ग्लूकोज में। ठीक है, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, फैट किस में चेंज हो जाता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन किस में चेंज हो जाता है, अमीनो एसिड में। हमारी बॉडी में जो कंप्लीट अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है 20। ठीक है, कितने अमीनो एसिड चाहिए, 20। तो 10 तो हमारी बॉडी में खुद बनते हैं जो प्रोटीन के हेल्प से अभी बताया जा रहा है, और 10 हमारी बॉडी कहाँ से लेती है, वो बाहर से लेती है। ठीक है, तो 10 अमीनो एसिड्स तो बॉडी में ही बनते हैं और 10 अमीनो एसिड हमारी बॉडी बाहर से लेती है। क्लियर, चलो। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब आता है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है उस डाइजेस्टेड फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ इस तरीके से कुछ वेसल्स होती हैं जिनमें से होता हुआ डाइजेस्टेड फूड आता है, और यहाँ वॉल के पास विलीज होती है। क्या होती है, यहाँ वॉल के पास विलीज होती है, कुछ पार्ट जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इनमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे भेज दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एक हमने पढ़ा था इंगेशन, सेकेंड प्रोसेस क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंगेशन मतलब खाने को मुंह में लेना, और एब्जॉर्प्शन मतलब खाने को पचा देना, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक ग्रोथ्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया फिंगर लाइक ग्रोथ्स होती है जिनको हम विली कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें इस तरीके से फिंगर लाइक, जैसे टॉवल होती है ना, टॉवल उस तरीके से इसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड विलीज, इनको क्या कहते हैं, विलीज। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन, क्या रोल है विली का इंटेस्टाइन में। अभी मैंने बताया जितना भी लिक्विड डाइजेस्टेड फूड होगा, कौन सा लिक्विड डाइजेस्टेड जो फूड होगा ये विली एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे आप जब नहा कर आते हो तो क्या करते हो, टॉवल से अपना जब बॉडी को पोंछते हो तो क्या होता है, जितना भी पानी आपकी बॉडी पर होता है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आपकी जो टॉवल होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है ना। वही वो किसका, विली का है, कि जितना भी लिक्विड पार्ट है ना डाइजेस्टेड फूड का, ये विली एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, द
The villi increase the surface area for absorption for the digested food. Each villi has a network of thin and small blood vessels. हर villi में छोटी-छोटी पतली-पतली blood vessels होती हैं close to its surface. The surface of the villi absorb the digested food material. जो villi की surface होती है वो digested material को absorb कर लेती है. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organ of the body. Where they are used to build complex substances such as the protein required by body. यानी जितना भी digested food है जो villis ने ले लिया, जो villi ने suck कर लिया, वो blood vessels के through जो villis में मिलती है, उन blood vessels के through पूरी की पूरी body में पहुंच जाता है और body के जिस part में जिस चीज की requirement होती है वहां उस food को भेज दिया जाता है. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? This is called assimilation. इसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाना क्या होता है? एसिमिलेशन. तो तीन बातें समझ में आ गई. इंगेशन, फूड को इंटेक करना. एब्जॉर्प्शन, फूड को डाइजेस्ट करना. कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में. एसिमिलेशन, फूड को वापस, डाइजेस्टेड फूड को वापस बॉडी के सभी पार्ट में भेजना जहां पर जिस टाइप के फूड की जरूरत है. क्या बोलते हैं उसको? एसिमिलेशन. ठीक है, इन द सेंस ग्लूकोज ब्रेक डाउन With the help of oxygen into carbon dioxide and water. जो glucose होती है वो किसमें change हो जाती है? Carbon dioxide और water में change हो जाती है. किसकी help से? Oxygen की help से. And energy is released. और तब क्या निकलती है हमारी body में? Energy. हमको जो energy मिलती है वो इस तरीके से मिलती है. कैसे? जो glucose होता है वो हमारी body में oxygen की help से carbon dioxide और water में change हो जाती है या water में convert हो जाती है. और तब हमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. और वो फूड जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है या अनअब्सॉर्ब्ड रह जाता है वो कहाँ पहुंचता है? वो तब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है. इसका मतलब ध्यान रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता. ठीक है, अब आती है लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, वाइडर मतलब चौड़ी होती है, चौड़ी, लेकिन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से. चौड़ी तो होती है लेकिन छोटी होती है. ये हो गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हो गई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या रेशियो बताया था मैंने? मैंने आपको रेशियो बताया था 8:1 का. ठीक है, तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी कितनी बड़ी थी? 7.5 मीटर. और लार्ज इंटेस्टाइन कितनी बड़ी है? 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर. इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. इसका काम क्या है? केवल जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना और कुछ जो सॉल्ट मटेरियल रह गया है थोड़ा बहुत उसको भी एब्जॉर्ब कर लेना, है ना. द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस. यानी जो बचा हुआ वेस्ट है वो रेक्टम में पहुंच जाता है और जो रेक्टम में फूड पहुंचता है वो कैसा होता है? सेमी सॉलिड फीसेस, जो हमारी बॉडी से आउट होता है जब वो फ्रेश होने जाते हैं, है ना. द फीसेस मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. और ये जो अनयूज्ड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से रिमूव होता रहता है. दिस इज कॉल्ड इगेशन. चार प्रोसेस आपको मिल गई. पहली मिल गई इंगेशन, ठीक है. दूसरी मिल गई, क्या मिली थी दूसरी? जल्दी से बताओ फटाफट. एब्जॉर्प्शन. तीसरी मिली थी एसिमिलेशन. और चौथी क्या हो गई? इगेशन. इगेशन. और ये चारों प्रोसेस का आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाता है. इसको इधर उधर कर देंगे और चारों प्रोसेस का आपसे सीक्वेंस पूछेंगे कि सही सीक्वेंस बता दो क्या है. तो सही सीक्वेंस आप सब लोग याद रखेंगे, इंगेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंगेशन, इगेशन. ठीक है, ध्यान रखेंगे ना.
ठीक है चले आगे। अब आता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी ये जो आपको काउ दिख रही है ग्रास ईटिंग एनिमल है, जो गोट है, जो आपकी बफलो है, ये सब क्या है, जो डियर है, और बड़े जानवरों में देखे तो जिराफ है, जेब्रा है, ये सब क्या है, ये ग्रास ईटिंग एनिमल है। तो जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं मोस्टली सभी में एक जैसा डाइजेशन सिस्टम होता है ना। हाउ यू ऑब्जर्व काउ बफलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्युइंग कंटीन्यूअसली, अपने खाने को ये कंटीन्यूअसली च्युइंग करते रहते हैं। क्या उनमें च्युइंगम होती है इनके, जैसे हम लोग च्युइंगम चबाते हैं तो हम लोग क्या करते रहते हैं, हम लोग च्युइंग करते रहते हैं, थोड़ी देर बाद क्या करते हैं उसको स्प्लिट आउट कर देते हैं, है ना। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, ये क्या करते हैं, सबसे पहले फूड को ना एक साथ, जितना फूड ये एक बार में ले सकते हैं उतना फूड ये ले लेते हैं, है ना, उतना फूड ये ले लेते हैं, अपने स्टमक में रखते हैं, और जब ये आराम से तसल्ली से बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे उस फूड को वॉर्म आउट करते रहते हैं, यानी अपने स्टमक से अपने माउथ में वापस लाते रहते हैं और उसको च्युइंग करते रहते हैं धीरे धीरे, ताकि वो उस फूड को इजीली डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग एक्चुअली दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक, क्या करते हैं अपने स्टमक के किसी पार्ट में, और जो खाना स्टोर करते हैं अपने स्टमक के किसी पार्ट में उसको क्या कहते हैं, र्यूमन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, र्यूमन, यानी स्टमक के इस पार्ट में इन्होंने फूड डाइव अपना स्टोर कर लिया, और यहाँ से वापस ये लेते रहेंगे, यहाँ से वापस लेते रहेंगे, और धीरे 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 करके क्या करते रहेंगे, च्युइंग करते रहेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं जुगाली करते रहेंगे। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस होता है वो हम लोगों की तरह ही चलता है कि पहले खाना फिर स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फीकम में जाएगा, एनस में जाएगा, और बॉडी से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ना, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स और डाइजेशन इन नॉर्मल एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग कल करेंगे, है ना। आज सभी लोग जल्दी फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, कोई भी देर नहीं करेगा। क्लास की जो टाइमिंग है वो है आपकी 1:30 PM, ठीक है, और ये मेरा लोगो है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं, है ना। Here the food gets partially digested and is called cut. यानी जो फूड होता है जब ये च्युइंग करते हैं, यानी जब ये फूड को च्युइंग करते हैं तो वो पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है। उससे पहले जब ये स्टमक में फूड जाता है तो पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है, उसको हम कहते हैं कट, क्या कहते हैं उसको, कट कहते हैं। बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लंप्स एंड द एनिमल च्यूज इट। अब वो क्या होता है, वो जो कट यानी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, वो छोटे छोटे लंप्स में चेंज हो जाता है और वो वापस से इनके माउथ में आता रहता है, और ये च्युइंग करते रहते हैं, और च्युइंग करने के बाद वापस से स्टमक में लेते रहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, रूमिनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। जहां फूड कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं रूमन, इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन, और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स। क्लियर, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज एंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो ग्रास होती है ना वो सेल्यूलोज से भरपूर होती है, बहुत सारा सेल्यूलोज होता है, हम लोग नहीं खा सकते उसको, क्योंकि हम लोगों के अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स नहीं होते, एसिड्स नहीं होते, इनके अंदर एंजाइम्स और एसिड्स होते हैं जो इजीली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमन बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं इनके इनके किसके बीच में, रूमन बिटवीन द एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसको रूमन कहते हैं, वहीं पर खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। The cellulose of a food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. यानी यहाँ पर जो cellulose है, food का जो cellulose है वो यहीं पर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया इनके बॉडी के अंदर होते हैं जो इसको इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में वो बैक्टीरिया नहीं होते, इसीलिए हम उस फूड को
डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यानी हम अगर कच्ची घास खाने लगे, कच्चे पेड़ पौधे खाने लगे तो हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अब आता है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है? देखो अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, वो जिस तरफ जाता है उसी तरफ वो शेप ले लेता है। यानी जैसे आप किसी जेल को लटका दो नीचे जमीन पर, तो जिस साइड जिस तरफ ढलान होगी जो आपका जेल होगा वो उसी तरफ जाता रहेगा ना, उसी तरीके से सेम अमीबा होता है। अब ये कहते हैं जैसे इसके रास्ते में फूड आता है तो ये गैप बनाता है, इस तरीके से गैप बनाता है, फूड को अंदर लेता है, फूड और अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होके दूसरी साइड से ये इसको निकाल देता है। ठीक है, समझ में आया। वही सब प्रोसेस चलती है जो ह्यूमन बींग्स में चलती है, पहले इंगेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एजिमिलेशन होता है, और उसके बाद क्या होता है, इंगेशन होता है। ठीक है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है और सिंगल सेल एनिमल है। अमीबा सेल मेम्ब्रेन, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। यानी इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली सी सेल मेम्ब्रेन होती है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है और स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, है ना। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन, अपनी शेप भी चेंज करता रहता है, अपनी पोजिशन भी चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कैसे करता है? बहुत सारे फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शंस बनते हैं इसकी बॉडी में, इस तरीके के प्रोजेक्शंस बनते हैं जिनकी वजह से ये मूव करता है। और सीडोपोडिया, क्या बोलते हैं इन प्रोजेक्शंस को? इन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं सीडोपोडिया, या बोलेंगे फॉल्स फीट, है ना, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। दोनों किस लिए होते हैं? या सीडोपोडिया किस लिए होते हैं? सीडोपोडिया तो फूड कैच करने के लिए, कैप्चर करने के लिए होते हैं, या मूवमेंट करने के लिए होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना ये, क्योंकि ये एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है इसीलिए इट हैज ओनली सिंगल सेल इन देयर ओन लाइफ, होल लाइफ इसके पास केवल एक ही सेल रहती है जिससे ये अपना पूरा लाइफ निकाल देता है। ठीक है, तो समझ में आया फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। इससे आगे का एक पार्ट और बचा है जिसको हम कल करेंगे। आज के लिए मुझे बताना जरूर कि कैसा लगा आपको आज का सेशन, और कमेंट करके लिखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। कुछ नहीं जाता आपका, कोई आपका बैंक से अकाउंट में से कुछ नहीं कटता, कोई आपका मोबाइल से कुछ पैसा नहीं कटता, आप लोगों को केवल एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।